द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड, क्या आपने इसका नाम पहले कहीं सुना है? ये लगभग इंडिया का नेशनल बर्ड बन ही चुका था, पर इसकी जनसंख्या अभी सिर्फ 200 है। इसका रीजन कौन है? ये मेनली पाए जाते हैं ग्रासलैंड्स में, वहाँ पे छोटे मोटे घास फूस मिलेंगे या तो स्क्रबलैंड मिलेगा। तो इन लैंड्स को मेनली कैटेगराइज कर दिया गया है वेस्टलैंड में। लोकल कम्युनिटीज उस लैंड को कन्वर्ट कर देते हैं अपने एग्रीकल्चरल लैंड में, या तो फिर वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज हो जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये अपने घर से बेघर हो रहे हैं बल्कि इनकी जनसंख्या भी कम हो रही है। क्योंकि जब इनकी मेटिंग होती है तो मेल फीमेल से कम्युनिकेट करता है थ्रू वाइब्रेशंस, क्योंकि इनकी आई साइट बहुत पुअर होती है, पर हमने नॉइज पोल्यूशन इतनी बढ़ा दी है कि ये कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाते हैं और इनकी मीटिंग नहीं हो पाती है। जिन जिन एरियाज में बर्ड्स पाए जाते हैं वो एरिया सुटेबल है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के इंस्टॉलेशन के लिए, लाइक सोलर पैनल्स या विंड मिल्स, तो उनके पावर लाइन में फंस के बस्टर्ड्स मर जाते हैं। पर इन रिसोर्सेज की जरूरत हमें भी है इस क्लाइमेट क्राइसिस सिचुएशन में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन क्या है, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई और अच्छा सोल्यूशन सजेस्ट कर सकता है तो प्लीज उस तक ये वीडियो फॉरवर्ड करना और वीटिंग स्पेस को फॉलो करना।